जी नमस्कार, एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस में आपका स्वागत है। आप क्लास 9 क्लास का चैप्टर 1 का आज पार्ट 6 एपिसोड नंबर 6 देख रहे हैं, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि एक्सपोनेंट का रियल नंबर में उसका क्या नियम है, यह बात हम सिखाएंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑन रियल नंबर ये सिखाएंगे, यह हमेशा आपकी जरूरत पड़ेगा। आइए सिखाता हूं। जैसे देखिए 10 के पावर 2 और ये 10 के पावर 3 है, मतलब 10 को कितना बार लिखा गया, 2 बार। और इस 10 को कितना बार लिखा गया है, 3 बार। यानी 10 के पावर 2+3 यानी 10 के पावर क्या हो गया, 5। यानी पहला लॉज आपको आता है a^m, बोलो, इंटू a^n क्या हो जाएगा, a^m+a। बोलो यस या नो, सीखा कि नहीं सीखा, बोलो। अगर यहां पर 5^3 है और 5^5 है तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, बोल सकते हो यार, 5^3+5 यानी 5^8। फर्स्ट नियम सब लोग सीख गया है कि नहीं सीखा है, बोलो। यानी a^m, a^n, a^o, a^p, a^q, a^r, बताओ a^ क्या हो जाएगा, बोलो, a^+n++o+p+q+r, बोलो होगा, यस। फर्स्ट नियम सीखने के लिए सभी लोगों को शुक्रिया। अब हम बात करते हैं ना, यहां देखो ये 10^10 है और यहां 10^3 है, तो इसको कितना बार लिखा गया है, 10 बार। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, नीचे कितना बार लिखा गया है, 3 बार। अब यहां 10^10 क्या हो गया, 7। यानी एक बात देख रहे हो कि जब डिवाइड में होता है तो सबट्रैक्ट हो जाता है, यानी a^m और a^n, तो a^m-n, बोलो। अब इसकी करेंगे हम प्रैक्टिस, क्या राजी है, तकलीफ में है, बोलो, तकलीफ में है, टेंशन है। यानी 5^7 और 5^2 तो क्या होगा, 5^7-2 यानी 5^5। यस नो, आज कैसे पता चलेगा कि आज मैंने वीडियो बनाया, पता चलेगा आज 11 तारीख, आज 10वां महीना है और तुम अभी 9th क्लास में पढ़ते हो, ये 9th क्लास के लिए वीडियो बनाए हैं, यानी 11^10-9 यानी 11^1।
कुछ हमारे भाई बहन सिक्स क्लास के भी देख सकते हैं, फाइव क्लास के भी देख सकते हैं। तो यहाँ हमारे अक्षत बाबू 11 to the power 10, और यहां पर हम बात करेंगे तो अक्षत बाबू हमारे साथ सिक्स क्लास के हैं, हमारे नाती हैं। अब 11 to the power यहां क्या हो गया, 10 minus 6, बोलो यासन, यानी 11 to the power 4 हो गया। तो ये आप लोग सेकंड नियम को भी समझ गए। अब थर्ड नियम क्या होगा, a to the power m के होल पावर n, यानी a to the power mn, बोलो, और a to the power n का होल पावर m, तभी a to the power mn, यानी लॉजिक 2 to the power 3 के होल पावर 5, 2 to the power 15, और 2 to the power 5 का होल पावर 3, तभी 2 to the power 15, बोलो ऐसा ना, यानी ये भी समझ गए ए लॉज ऑफ थर्ड हुआ। एक और सीखना है, अगर ए टू दी पावर एम यहां देखो और बी टू दी पावर बी एम हो, दोनों का पावर सेम है, दोनों एक बंधन में जुड़ सकता है, इस बंधन को जोड़ दो, ए क्रॉस बी के पावर एम हो जाएगा, बोलो, यानी यहां 2 to the power 5 या 3 to the power 5, तो 6 to the power 5 लिख सकते हैं, बोलो ऐसे ना। इसी ढंग से 3 to the power 6 and 2 to the power 6 6 to the power 6, ये 4 नियम है। अब तुम सोचोगे कि सर नियम पढ़ा दिया और अभी तक घंटी क्यों नहीं बजा? अरे भाई, क्या चैप्टर बनाने वाला नापतोल के बनाया क्या? नापता तो मेरे पास है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट रियल नंबर का आप सीखे, बोला नहीं सर एक बाकी रह गया। अरे हम तो जान का बाकी रख दिया ना, बोले सर एक बुक में हमने देखा है ऐसे कि ऐसे लिखा हुआ है, हम ले बुर्बक, ये क्यों लिखा हुआ है कभी सोचा है? तो बोला सर नहीं, हम बोले देखो ए के पावर 0 है और ए के पावर एम है, तो उस रूल के तहत जो 2 नंबर रूल बताए थे, तो ए के पावर 0 minus m हो जाएगा। बोलो यार, यह नियम में नहीं शामिल है। हम समझते हैं कि एक्सपोनेंट का रूल सब लोग समझ गया है। अब यानी तैयार हो जाओ, एक्सरसाइज 1.6 लेके आ रहा हूं 9th class का, चूंकि अभी समय सीमा है, थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, 2 to the power 3, 2 to the power 5 क्या हो जाएगा? 8, बोलो यार, 2 to the power 5, 2 to the power 2, 2 to the power 5 minus 2, यानी 2 to the power 3, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, 2 to the power 8, 2 to the power 5, 2 to the power 8 minus 5, यानी 2 to the power 3 आया, यानी 2 to the power 3 and 3 to the power 3, तो क्या हो जाएगा? 2 to the power 6 और 6 to the power 3, यस है ना? लेकिन एक समस्या है, समस्या है, क्या समस्या है पता है? समस्या को जानना चाहोगे? जानो, ये सीरियस हो, ये समस्या लोग गलत बता देते।
ए के पावर है हाफ और बी के पावर हाफ, बोलो तो आप यही ना कहेंगे कि ए बी के पावर हाफ? सोचिए, गौर से देखिए, माइनस टू के पावर हाफ, फिर माइनस थ्री के पावर हाफ, तो आपके अनुसार माइनस टू इंटू माइनस थ्री के पावर हाफ यानी रूट अंडर सिक्स लिखेंगे, बोलो, यानी यहां पर रूट अंडर ए रूट अंडर बी को आप रूट अंडर ए भी लिखेंगे? नहीं भाई साहब, गलत है, ये लोग गलत पढ़ा रहे हैं। ये तभी संभव है जब ये दोनों में कम से कम एक पॉजिटिव हो, कम से कम एक पॉजिटिव हो, कम से कम एक पॉजिटिव हो, जल्दी बताओ, कम से कम एक, कम से कम एक, दोनों निगेटिव रहेगा। अगर काश ये दोनों निगेटिव होता तो माइनस लगा के रूट अंडर ए भी होगा, यस या नो? तब सही होगा। अब गलत नहीं ना करोगे कि करोगे? बोलो बोलो। बहुत आदमी बोलते हैं कि ए के पावर ए बी के पावर ए रहेगा तो ए बराबर बी हो जाएगा, ये गलत। तुम भी सोच रहा होगा नहीं है? यहां देखो, ये टू के पावर फोर कर दिया और यहां माइनस टू के पावर फोर कर दिया, ये भी सिक्सटीन है, ये भी सिक्सटीन है, तो आपका क्या कहना है कि टू और माइनस टू बराबर है? बोलो या सर, सोच बदलो, सोच बदलो। आ गया, आ गया समय, यानी तुम्हारा 25 मिनट बीत गया है। अब क्वेश्चन सेशन में हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज। अब बताओ 64 को मिस्टर अच्छा जी क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 के पावर 6 लिख सकते हैं और इसकी पावर हाफ है, यानी 2 के पावर 6 के पावर हाफ ये वाला कट जाएगा, यानी 2 के पावर 3 8 लिख सकते हैं। बोलो यस या नो? ये 32 को क्या लिख सकते हो? सोचो, 2 के पावर 5 के पावर 1/5, 5 से 5 कट गया, 2 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? 5 के पावर 3 1/3 कट के क्या हो गया? 5। यस या नो? क्या सेकंड क्वेश्चन बना सकते हो? बिल्कुल। ए 9 को कैसे लिख सकते हो? 3 का स्क्वायर, यहां 3/2, 2 से 2 कट गया, 3/3 27। बोलो या सुनो, यह 32 है तो 2 के पावर 5 ऐसा होल पावर 5। लिख सकते हो। अगला ठीक, क्लियर? तो ये आप आराम से लिख सकते हो। अब आ गया पारी, बोलो या सैनो? यहां 2 के पावर 2/3, 2 के पावर 1/5, यानी 2 के पावर 2/3 प्लस 1/5, ठीक। एलसीएम क्या हो जाएगा? 15, 3 × 5 = 15, 10, 5 × 3 = 15, यानी 2 के पावर 5 = 15, यानी
13/15 या आपका क्लियर। अगला प्रश्न है यहां 3^3 यानी यहां 3^-3^7 3^-21 ये तो माइनस वाला कंसेप्ट है, ठीक। अब क्लियर, तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। यानी आप एडवांस्ड स्कूल ऑफ मैथ्स के ये वीडियो का आप देखते हैं तो हम पूरे 100% आपको विश्वास दिलाते हैं कि एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आरएस अग्रवाल की कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जो मार्केट में वैल्यूएशन है आर डी शर्मा का भी नहीं छूटेगा, डॉक्टर केसी सिन्हा सर की बुक नहीं छूटेगा, एच डी रेसगानिया की बुक नहीं छूटेगा, अगर इसमें एमएल अग्रवाल भी उतर जाए तो उसकी भी बुक नहीं छूटेगा, अगर एसके गोयल सर उतर जाए तो उनकी भी बुक आपका छूटने वाला कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आपका अगर थ्योरी क्लियर है तो क्वेश्चन कौन से भी आ जाए आपको हम कहेंगे, सलाह देंगे, निकालिए 9th क्लास का पियर्सन पब्लिकेशन का बुक और बना डालिए, क्योंकि आपने एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस की वीडियो देखा है। आप चाहे वो बिहार बोर्ड की बात करेंगे, बीडीबीसी की बात करेंगे, या उत्तर प्रदेश की बात करेंगे राजीव पब्लिकेशन का, या मध्य प्रदेश की बात करेंगे किसी भी पब्लिकेशन का, तो आपकी कोई बुक छूटने वाला नहीं है, क्योंकि आपको हमने नंबर सिस्टम को पढ़ा दिया है। तो हम नंबर सिस्टम का आपका 100% कंप्लीट हो गया है, इसमें कोई तरह की आपकी कोताही नहीं बढ़ता। अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें कितने एक्सरसाइज थे। अरे यार 6 एक्सरसाइज थे, 6 भाग में आपकी कंप्लीट हो गया। अब अगले बार में हम लेके आएंगे प्लोनोमियल्स चैप्टर 2 और आपको 9th क्लास का हम 90 वीडियो पेश करेंगे और 90 वीडियो में पूरे 9th क्लास की मैथमेटिक्स आप सीख जाएंगे। अगर जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स को सीखना चाहते हैं हम तो ये कहेंगे कि पहले 5th क्लास की मैथमेटिक्स को सीखो, 5th क्लास जब कंप्लीट हो जाए तब 6th क्लास का सीखो, फिर 7th का सीखो, 8th का सीखो, 9th का सीखो, 10th का सीखो। 10 सीखने के बाद हम दावे के साथ कहते हैं कि तुम्हारा माइंड इतना विकसित हो जाएगा कि 11th 12th मैथमेटिक्स को समझ में आने लगेगा। तो चलो तुम लोग के लिए कुछ मैं क्वेश्चन इसमें डाल देता हूं, क्योंकि मेरी आदत है क्वेश्चन डालने की नंबर सिस्टम की, तो कुछ कुछ नंबर ढूंढ के रखना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, परफेक्ट नंबर क्या है, आर्मस्ट्रांग नंबर क्या है, सब नंबर को सर्च करो। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बने रहो।